नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमसीएक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे इंडिकेटर को जिसके साथ मिलकर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं एल्गो क्रैब के हमारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एल्गो क्रैब हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमने एल्गो ट्रेडिंग के लिए बनाया है, जिसमें 12 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर्स हैं। और अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है, एंजल ब्रोकिंग में है, अलाइज ब्लू में है, फायर्स में है, इस तरीके की ब्रोकर्स के पास है जो कि एपीआई प्रोवाइड करते हैं एल्गो ट्रेडिंग के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आपके पास टाइम नहीं है चार्टिंग करने के लिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सुविधाओं के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है एल्गो क्रैब, वो दो तरीके से आपको ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। सबसे पहला तरीका है मोबाइल के थ्रू या पीसी के थ्रू, जो भी आपको ट्रेडिंग करनी है वो हमारी ऐसी सर्विस के साथ ट्रेडिंग होगी जिसमें कि आपको कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 8 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ में से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए हाईली प्रॉफिटेबल रह रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी पे आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही हैं। तो उनमें आप अपने सिंबल्स को सिलेक्ट करके उनको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरी जो सुविधा है हमारे प्लेटफॉर्म में वो है ब्रिजिंग के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग करना। ब्रिजिंग के थ्रू मतलब कई बार लोगों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, कई बार लोग स्ट्रैटेजीज़ को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म से सिग्नल्स लेती हैं और उनको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पुश करती हैं। तो उस तरीके की जो सर्विस है उसको बोलते हैं ब्रिजिंग। तो ब्रिजिंग की सर्विस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसमें आप मेटा ट्रेडर 4 यूज कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, आप एमी ब्रोकर यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आपको चीज़ें मिलती हैं उनमें इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ फ्रीबीज़ भी हमारे पास हैं। जैसे मेटा ट्रेडर के लिए हमारे पास मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस में हमने काफ़ी सारे ऐसे इंडिकेटर दिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं, और कुछ एक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि एक नॉमिनल कॉस्ट पे करने के बाद आपको मिलते हैं और उनको आप एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो दोस्तों जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म। इसके लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा www.algocrab.com। जब आप algocrab.com की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये वहाँ पर वेबसाइट खुलेगी, इस पर आपको लॉगिन के बटन पर प्रेस करना है। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी खोल रखा है तो आप लॉगिन पर जाएंगे, अगर आपने अकाउंट नहीं खोला तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर जाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है और उसके बाद आपको एक मेल आएगा, मेल पर जाके आप कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप फिर 6 डेज का फ्री ट्रायल हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं अकाउंट में जाके आपको दिखाता हूँ चीज़ें क्या क्या अवेलेबल हैं यहाँ पे और किस तरीके से इस पर काम करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीन पे डैशबोर्ड खुलेगा वो स्ट्रैटेजीज़ का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं, इनके प्राइसिंग लिखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके थ्रू आप ट्रेड करें तो आप इनके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं MT4 के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं तो उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूँ चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजीज़ के सेक्शन में दोस्तों एक हीट मैप का सेक्शन आपको मिलता है। हीट मैप के सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए सुपर ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, सुपर ट्रेंड आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्यूरेसी वाइज सिंबल लिस्ट आ जाएगी। जैसे PNB में 61% की एक्यूरेसी आ रही है और प्रॉफिट इतना है, एशियन पेंट्स में 61% की एक्यूरेसी आ रही है और प्रॉफिट इतना मिल रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं भाई कौन सी स्ट्रैटेजी में कौन से सिंबल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें से आप एक दो सिंबल, 3-4 सिंबल या जितने पे भी आपको ट्रेड करना है आप सिलेक्ट करके उनको क्रिएट कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी वीडियो इसके बारे में बना रखी हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने मेन कंटेंट की तरफ। मेन कंटेंट में आप देखेंगे ब्रिज टूल के प्लेटफॉर्म पर, जब आप जाएंगे ब्रिज टूल के टैब में तो यहाँ पर आपको मार्केट प्लेस का एक टैब मिलेगा। मार्केट प्लेस के टैब में आप देखेंगे अलग अलग इंडिकेटर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं, जैसे टाइम रेंज ब्रेकआउट, सेमी एल्गो ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम सेमी एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और दूसरा है यहां पर मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, हाफ ट्रेंड इंडिकेटर और हाइक एन एसी प्लस सुपर ट्रेंड, और MACD का भी है, RSI का भी है। ये सब फ्री हैं, कुछ एक ट्रेड हैं बाकी के फ्री हैं, जैसे बटन ट्रेडिंग, ईजी ट्रेडिंग सिस्टम भी है। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं देना होता, आप सिंपली हमारा MT4 ब्रिज का प्लेटफॉर्म परचेज कर सकते हैं और उसके बाद इन इंडिकेटर्स को आप डाउनलोड करके फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अदर वेंडर्स पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये पेड होते हैं, आपको इनके लिए पेमेंट करना होता है तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
तो सेमी एल्गो ट्रेडिंग के यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखिए, आप नीचे आप टाइम रेंज ब्रेकआउट पर जाएंगे, उसके नीचे गेट ट्रायल का बटन दिया हुआ है। अगर आप गेट ट्रायल का बटन प्रेस करते हैं तो इस तरीके से डाउनलोड का बटन यहाँ पर आ जाएगा। डाउनलोड के बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे इंडिकेटर डाउनलोड हो जाएगा। इस इंडिकेटर को हमें डालना है अपने मेटाट्रेडर 4 के अंदर। अब मेटाट्रेडर 4 के अंदर डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, वो तो ये मैंने मेटाट्रेडर 4 ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेटाट्रेडर 4 का प्लेटफॉर्म है और मेटाट्रेडर 4 के प्लेटफॉर्म पे सिल्वर माइक्रो का चार्ट चालू है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम अपना इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे और देखेंगे इस इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिकेटर में जो इनपुट्स आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इनपुट की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इनपुट है वो है इंट्राडे ऑन या ऑफ, यानी कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इंट्राडे को ऑन कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंट्राडे को आप ऑफ रखेंगे, ठीक है, फॉल्स रखेंगे। दूसरा इसमें दिया है इंट्राडे का एंड टाइम, ट्रेड एंड टाइम। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपने कोई लेवल्स लगाए हैं उसके हिसाब से स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं हुआ तो आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहली चीज़ जो इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसकी फंक्शनिंग क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि उनके पास कहीं से कोई लेवल आते हैं या वो खुद अपने कुछ लेवल निकालते हैं मार्केट के हिसाब से और ये डिसाइड करते हैं कि इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं बाय करूँगा और इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मैं सेल करूँगा। तो इस तरीके के लेवल्स लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे 50 पॉइंट का रखना है, मुझे 100 पॉइंट का रखना है, वो सारी चीज़ें। तो उन सहूलियतों को करने के लिए अब क्या होता है कि अब लेवल लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप दोनों साइड्स के लेवल लगा देते हैं, कई बार क्या होता है कि वो प्राइस आता नहीं है या प्राइस जंप कर जाता है या फिर जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं वहाँ पर तो टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ वहाँ पर हो जाती हैं। उनसे बचने के लिए हमने ये बनाया सेमी एल्गो। इसमें क्या है कि आप बाय अबव और सेल बिलो के लेवल्स डाल सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट के लेवल्स डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही उस मार्केट में ऑर्डर जाएगा वो आपका ट्रेड हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कई बार हम ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट हम साथ में भेज देते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर का वो स्टॉप लॉस टारगेट खाने का जो सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी से खा जाएगा। इसमें चार्टिंग प्लेटफॉर्म में इसके थ्रू करने में क्या होता है कि जब वो प्राइस आता है ना तो ही वो ट्रेड मारता है मार्केट ऑर्डर पर, तो उससे पहले या बाद में आपका ऑर्डर एक्सचेंज में नहीं जाता, वो सिर्फ MT4 के साथ रहता है। MT4 को पता रहता है कि कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब उसका टारगेट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है MT4 में आपको मिल जाती हैं। अब आते हैं दूसरे यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे। तीसरे ऑप्शन में है, ये पूछ रहा है कि ट्रेड मेथड। मैं ट्रेड मेथड क्या है, मेट्रो, मेट्रो के बाद है यहाँ पे ओनली बाय और ओनली सेल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड सिर्फ बाय का ट्रेड हो आज, सेल का ना हो, तो आप ओनली बाय सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाय का और सेल का दोनों ट्रेड हो तो आप मेट्रो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन सिर्फ सेल का ट्रेड हो तो आप सेल ओनली ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेट्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मेट्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। मेट्रो में अभी हम यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो सिल्वर का जो प्राइस चल रहा है वो 72,000 चल रहा है। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि 72,050 जब उसका प्राइस हो जाए तो हमारा बाय हो जाए और 71,900 जब चला जाए तो हमारा सेल हो जाए, ठीक है। टारगेट स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ गया अगला फॉल्स, इसको हम ट्रू कर देंगे। ट्रू करने के बाद हम कहेंगे कि भाई हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रखो और इसके बाद यहाँ पर आ गया स्टॉप लॉस का ऑप्शन, स्टॉप लॉस को भी ट्रू कर देंगे। यहाँ पे भी हम 100 पॉइंट लिख देते हैं एग्जांपल के लिए कि 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पर जो ये कर दीजिए, स्टॉप लॉस कर दीजिए। अब अगला ऑप्शन जो है इसमें वो है री एंट्री। री एंट्री का मतलब अगर एक बार आपने एंट्री कर ली किसी लेवल पे और उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस लग गया, दोबारा अगर प्राइस उसी रेंज में आता है तो आपको बाय करना है या सेल करना है, यानी कि री एंटर करना है सेम ट्रेड में या नहीं। अगर आपको करना है तो आप इसको ट्रू करेंगे, नहीं करना तो आप इसको फॉल्स रखेंगे। मैं इसको फॉल्स ही रखता हूँ। उसके बाद दो ऑप्शन है एल्गो क्रैब के आईडी पासवर्ड डालने का। तो दोस्तों एल्गो क्रैब के आईडी पासवर्ड, जो आप एल्गो क्रैब में अकाउंट खोलते हैं उसका आईडी पासवर्ड होता है, वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद है एपीआई मोड। एपीआई मोड का मतलब है कि अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो आप एपीआई मोड को ट्रू करेंगे। अगर नहीं करनी, मैनुअली ऐसी देखना है कि लेवल आया नहीं आया, अलर्ट वलर्ट देखने, तो आप ऑफ रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे यूज़र की। यूज़र की हमें मिलेगी एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म से, वो प्रोसेस मैं आपको आगे समझाऊंगा। इंस्ट्रूमेंट की भी हमें वहीं से मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि हमें यूज़र की इंस्ट्रूमेंट की नहीं डालनी है, उसको हम बाद में डालेंगे। इंडिकेटर मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखिए यहाँ पर तीन लाइनें आ गई, बाय अबव सेल बिलो की और साथ में स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो यहाँ पर जो लाइनें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ कि ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं,
ये देखिए प्राइस भी आ गया है 72051 का प्राइस चल रहा है अभी, तो बाय का सिग्नल यहाँ पे इसने दिखा दिया। साथ में ऊपर की जो येलो कलर की लाइन है वो है दोस्तों टारगेट की लाइन, और जो रेड कलर की नीचे लाइन है वो है स्टॉप लॉस की लाइन। बीच की जो दो लाइन है वो बाय अबव और सेल बिलो की लाइन है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं अपने एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म में वापस, और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जाना होगा यहाँ पर MT4 ब्रिज के अंदर। MT4 ब्रिज के अंदर हम कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंबल क्रिएट किया हुआ है सिल्वर माइक्रो का, इसका जो यूज़र की है उसको मैं कॉपी करूँगा और मैं उसको जाके MT4 में पेस्ट कर दूँगा। जो ये मेरा इंडिकेटर है इसके अंदर मैं जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की हमें पेस्ट करनी है, तो इंस्ट्रूमेंट की भी हमें वहीं से मिलेगी, हमें इसको कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों कि अगर हमें ये नया सिंबल कोई क्रिएट करना है हमारे MT4 ब्रिज में, तो हमें यहाँ पे क्रिएट सिंबल पे जाना होता है और यहाँ पे सिंबल का नाम लिखना होता है। जैसे कोई भी सिंबल है, जैसे मैं निफ्टी का सिंबल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं निफ्टी का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा सर्च करके निफ्टी से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं उनको उठा के ले आएगा। ये देखिए आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी एक्सेस निफ्टी, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो भी आपको सिंबल चाहिए वो सिंबल आप यहाँ से सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके उसको चला सकते हैं। तो मैंने सिल्वर माइक्रो का यहाँ पर सिंबल सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया। ये रेड कलर का बटन स्टार्ट का होता है, अगर आप इसको स्टॉप करेंगे, अभी मेरी यहाँ पर कोई पोजीशन बता रहा है इसलिए इसको स्टॉप नहीं कर रहा, अदरवाइज ये यहाँ पर स्टॉप हो जाता। रेड कलर का होना चाहिए ये बटन, अगर ब्लू कलर का है दैट मीन्स वो स्टार्टेड नहीं है, फिर आपका ट्रेड नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेवल्स दोबारा से बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लेवल से मार्केट बहुत ऊपर निकल गई है। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों मैंने इसको जल्दी से सिग्नल जनरेट करने के लिए इसका जो प्राइस है उसको चेंज कर दिया। देखिए अभी इसने सिग्नल ले लिया, और नीचे आप देखेंगे अगर यहाँ पर अलर्ट विंडो में तो हमें दिख रहा है कि सक्सेस ट्रेड हो गया है, फ्रेश ट्रेड हो गया है हमारा। अगर हम अभी एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है हिस्ट्री ट्रेड्स देखने का ऑप्शन। अगर हम ट्रेड हिस्ट्री पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मिल रहा है 20 तारीख को 5:06 पर सिग्नल आया सक्सेस, इसकी ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ आ गया हमारे पास। तो अगर ऑर्डर आईडी हमारे पास आ गया तो ये इसका मतलब ये ट्रेड कम्प्लीटली हो गया। अगर हम ब्रोकर के ट्रेड बुक में जाकर देखना चाहें तो देखिए दोस्तों मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आप देखिए सिल्वर में जो सिग्नल है वो ये आ गया कैरी फॉरवर्ड का, एक सिग्नल क्वांटिटी रिजेक्ट हो गई क्योंकि फंड अवेलेबल नहीं है इस अकाउंट में, डेमो का अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पर इसमें जीरो ट्रेड हुआ है, ट्रेड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं चार लाइनें फिर से बन गई हैं। तो जो येलो कलर की लाइन है दोस्तों वो है टारगेट की लाइन, जो रेड कलर की लाइन है वो स्टॉप लॉस की लाइन है, और जो ग्रीन कलर की है वो बाय अबव का लेवल है, और जो लाइट ग्रीन लाइट रेड कलर की लाइन है वो है स्टॉप लॉस का प्राइस है। अगर हम चाहते हैं जैसे मान लो हमें यहीं पे लगता है कि हाँ ठीक है अब जितना में हमें प्रॉफिट होना था उतना प्रॉफिट हमें हो गया, अब हमें एग्जिट करना है अपने ट्रेड से, तो आप चार्ट से एग्जिट कर सकते हैं। राइट साइड में एक स्क्वायर ऑफ का बटन दिखता है, अगर आप उस बटन को प्रेस करोगे तो आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए इसी लेवल पर हमें लगता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ से निकलना है, तो हम स्क्वायर ऑफ का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर ऑफ का बटन यहाँ पर से प्रेस करेंगे ये देखिए ट्रेड हमारा क्लोज हो गया। अगर हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी बाय का ट्रेड दिखा रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये सेल का ट्रेड यहाँ पर बताने लगेगा, ये देखिए यहाँ पे सेल का ट्रेड भी हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों सेमी एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। अगर लेवल बेस आप ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाय लेवल और सेल लेवल के हिसाब से ट्रेड हो, तो आप इस वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, एल्गो क्रैब को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया ये आपको डेली नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको एक ही बार करना होता है। जब भी आप लेवल जनरेट करेंगे तब आपको एक बार एडिट करना होगा, और एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म में सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए डेली जाना होगा और अपने अकाउंट को जो ऑथेंटिकेट करना होगा और वैलिडेट करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। जो सिंबल आपको सिलेक्ट करने ये वन टाइम प्रोसेस है, ये बार बार नहीं करना होता। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। 6 दिन का ट्रायल आपको फ्री मिलता है एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं, तो अभी जाइए www.algocrab.com पर और वहाँ पर लीजिए 6 दिन का फ्री ट्रायल और इंडिकेटर्स को यूज़ कीजिए। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।